अब बात करेंगे सोशल मीडिया की श्रद्धा लंगरुड़े की, जिन्होंने महज 3 महीने के अंदर सोशल मीडिया पर जबरदस्त प्रसिद्धि हासिल की। श्रद्धा आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। फेसबुक से लेकर इंस्टाग्राम पर लगातार उनके फॉलोअर्स की संख्या बढ़ रही है और हर पोस्ट और वीडियो का बेसब्री से इंतजार भी फॉलोअर्स करते हैं। श्रद्धा का कहना है कि वह अपने फॉलोअर्स की पसंद के मुताबिक ही रील्स बनाती है, जिससे लोग उन्हें बेहद पसंद करते हैं। श्रद्धा का सपना फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का है। एक कॉमेडियन के तौर पर वो अपनी पहचान बनाना चाहती है। नासिक की रहने वाली श्रद्धा ने अपने जुनून और मेहनत के बलबूते पर प्रसिद्धि हासिल की है और उनके फॉलोअर्स की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वह अपने मजेदार और अनोखी वीडियो से लगातार लोगों का दिल जीत रही है। मैं इसके लिए इतना ही बोलना चाहूँगी कि मेरी माता जी को बहुत पसंद है हिंदी गाने, डांस, उनकी वजह से आज मैं इतना सारा डांस कर पा रही हूँ और साड़ियाँ भी पहनना जिस तरह देखा गया जनता आपको चाहती है रील्स बनाने में। काफ़ी कितने फॉलोअर्स हो आप, कितने सालों से करते आ रहे हो आप? एक्चुअली सालों से तो नहीं कर रही हूँ, हार्डली मैंने स्टार्ट किया था 2-3 महीने से, पर इसके पहले मैं फोटोज वीडियोज डालती रहती थी पर उसको हैबिट नहीं बनाती। अभी मैंने अपनी हॉबी बना ली क्योंकि मेरे फॉलोअर्स चाहते हैं कि मैं रील्स और बनाऊँ, जैसे रामदेव भी पूरा नासी कोलमपुर सोलापुर बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स है, मतलब 6-7 हज़ार के ऊपर मेरे फॉलोअर हैं, वेटिंग में भी दिख रहे हैं इंस्टा फेसबुक यूट्यूब फैंडबुक वीडियो। ऐसे आप रहने वाली कहाँ की हो, आपके बैकग्राउंड क्या है, कैसे? मैं नासिक से रहती हूँ और मुंबई में भी मेरी फैमिलीज है, थाना में अगर आपको मौका मिलता है एक्टिंग का, अगर मौका मिलता है तो आप क्या करना चाहोगे? मैं एक्ट्रेस बनना चाहूँगी, एक कॉमेडियन, एक डांसर, एक कुछ एंटरटेनमेंट करना चाहूँगी मेरे फॉलोअर्स के लिए। जिस तरह देखा जाए आपके चाहने वाले आपके फॉलोअर्स हैं, काफ़ी अच्छा काम है आपका, काफ़ी अच्छा एक चाहत लोगों में रखा है, उनको किस तरह आप क्या देखना पसंद करना चाहते हो? जैसे मेरे फॉलोअर्स की डिमांड हो, अगर उनको अच्छा लगता है जिस रोल में मैं परफेक्ट हूँ, मैं